पता चला उस डाकू का, डाकू मंगल सिंह। हाँ जमजम, पता चला है, वो यही कहीं छुपा बैठा है, डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह? हाँ अभी उसने पूरे शहर में दहशत फैला रखी है, शॉप्स में, घरों में बड़ी बड़ी चोरियां करता है, पैसा लूटता है, मॉल लूटता है, सारे उससे डरते हैं, कोई उसको हाथ नहीं डालता और चोरियां करके वो कहीं छुप जाता है। कौन डरता है? कौन? अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो इसी डंडे से मारूंगी। ओ जमजम, वो डाकू है, डाकू मंगल सिंह, कोई बकरी नहीं जिसको तुम मारोगी तो वो भाग जाएगा। अरे आप ही इसको छोड़ो, ये कभी चल रही होगी तो इसको कोई मिल जाएगा, उसके साथ दैवी फालतू में लड़ाई शुरू कर देगी, इसको छोड़ो। आप बताओ, आप आवाजें क्यों दे रही थी? हाँ मुसा, मैं वो कह रही थी कि आप दोनों तो बाजार जा रहे थे तो इधर क्यों रुक गए? अरे आपी, इसी की वजह से रुका हूँ, ये मिट्टी के साथ खेलने लग गई थी, मैंने सोचा मैं भी पौधों पौधों को देख लूँ। अरे फिर जाओ ना, शाम होने वाली है और रास्ता भी बड़ा खतरनाक है, चलो जाओ, पापा इंतजार कर रहे हैं आपका, चलो। आप मुझे दुश्मन ही लगते हो, जब भी मैं कोई भी काम कर लेती हूँ आप कहते हो कि ये मेरी। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आपको ये किसने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूँ? अरे भाई, बोलने से थोड़ी ना पता चलता है, हरकतों से पता चलता है, हरकतों से। आपने मेरी ऐसी कौन सी हरकतें देख ली जिससे आपको ये शक हो गया कि मैं आपका दुश्मन हूँ? ये भी कह नहीं रहे थे, ये ऐसी करती है वैसी करती है, हर वक्त मुझे डांटते रहते हो। अरे जमजम, मैं तो सिर्फ एक जर्नल बात कर रहा था, बहन भाइयों में दुश्मनी नहीं होती, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप राह चलते हुए किसी से भी लड़ाई डाल लेती हो। हैं? आपका मतलब है कि मैं लड़ाकी हूँ? हैं? मैं हर के साथ, हर किसी के साथ गुस्सा करती हूँ? जी यही कह रहा हूँ मैं। भाई आप भी कम नहीं हो तीली जलाने में, जब भी किसी के साथ मेरी दोस्ती हो तबाह कर देते हो और मैं अकेली रह जाती हूँ, और इंजाम लगाते हो मुझ जैसे मासूम में। तुम जैसे मासूम? अगर तुम जैसे मासूम दो तीन और होते ना तो ये पूरी दुनिया आज तक तबाह हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो दुनिया में, निकम्मे, दुनिया के सबसे एक नंबर। ओ, निकम्मा नहीं हूँ मैं, कोई तो ऐसा काम है जो अल्लाह ने मुझसे लेना है। वाह, आप अकेले नहीं हो, हम तीन बहन भाई हैं, हम जो भी कृष्मा करेंगे हम तीनों मिलके करेंगे। अरे बाद में करिए करिश्मा, अभी चलो। जमजम, बहन भाई कभी दुश्मन नहीं होते, वो दोस्त ना भी बने लेकिन दुश्मन कभी नहीं बनते, आइंदा ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना, मैं आपका भाई हूँ भाई। अच्छा अच्छा समझ गई हूँ, अब ज्यादा लेक्चर भी ना दो। अरे चाचा कैसे हो आप? हाय बेटा, बात सुनो बेटा, बात सुनो। जी चाचा बोलिए। बेटा मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा दुकान का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? कोई बात नहीं चाचा, आप जाके आराम से खाने खाए, हम दोनों शॉप को संभाल लेंगे, आप जाए। बहुत अच्छे हैं, शाबाश, ध्यान से रहना हा? अच्छे वक्त भी आ गए, खाने का टाइम मिल गया मुझे। भाई ये जो दुकानदार है ना, इससे हमेशा लॉस होता, फायदा कभी नहीं मिला। हाँ जमजम, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, चाचा को हमेशा लॉस ही होता है। कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं? जब ऐसा शरीफ दुकानदार दुकान पे होगा तो सारे लूट खा जाते हैं। एक तो उधार लेने वाले ऐसे दुकानदार की जान नहीं छोड़ते, उधार ले लेते पैसे नहीं देते,
और वो जो होते हैं जो बाकी रही से कसर रह जाती है ना, तो जब बकाया दो तो कहेंगे नहीं हमने इतने ज्यादा पैसे दिए थे, आपने हमें कम बकाया दिए हैं, और दे। तो अब हमें क्या करना है? लैंडिंग गलत हो गई। अरे ओ, नाम तो सुना होगा ना तूने, डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह? हाँ, डाकू मंगल सिंह। हैं? डाकू मंगल सिंह? चल जल्दी पैसे निकाल, चल वरना सजा के लिए तैयार हो जा। चल वैसे जल्दी निकाल वरना इतने छेद करूंगा पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से करना है और पादना कहां से है। चल चल नाटक ना कर, दे जल्दी जल्दी पकड़ा इधर। ये क्या लिखा? पहले इसको मैं यही पे गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5,000, 10। अच्छा ठीक है, करती हूँ। 40। हेलो आपी, डाकू मंगल सिंह आ गए, जल्दी आओ। चल और पैसे निकाल, 60, 70, 80, 90। कोई पूछे तो क्या नाम मंगल सिंह? डाकू मंगल सिंह, बड़े दिनों से तेरी तलाश थी। पकड़ा दिया मुझे तूने? हाँ, मैं अभी तुझे लेके जाती हूँ पुलिस स्टेशन। चलो मूसा और जमजम जल्दी आओ पुलिस स्टेशन। और डाकू मंगल सिंह, तुझे पैसे मिल गए हैं, तू भागा क्यों नहीं? यहाँ भी बैठ के गिनने क्यों लग गया? अरे अच्छा वाला जा रहा था, तुमने खुद ही तो लिख के रखा हुआ है उधर के जाने से पहले काउंटर पे पैसे चेक कर ले, तो वो मैं पैसे ही चेक करके गिन रहा था। पैसे रख उधर, मुसा पैसे उठा लेना। थोड़े से शरारती हैं, थोड़े से मासूम हैं, लाइफ की सब मुश्किलों के हल हमको मालूम है।